ये एक बहुत ही अजीब सी गाड़ी है। इसमें स्टेयरिंग व्हील नहीं है, एक छोटी सी स्क्रीन सी लगी हुई है और कोई पैसेंजर के साइड पे कोई डैशबोर्ड नहीं है। सीट्स भी बस ये प्लास्टिक के टुकड़े हैं और हेडरेस्ट है बड़ा सा और कार्बन फाइबर हर तरफ। बस सीट बेल्ट प्लास्टिक और कार्बन फाइबर ही है पूरे इंटीरियर में हर तरफ। सिर्फ और सिर्फ यही है, कोई स्पीडोमीटर भी नहीं है। बस एक ये राइट हैंड साइड पर बस एक छोटी सी स्क्रीन है, वही स्पीडोमीटर है। ये जो रॉड है ये स्टेयरिंग व्हील की ही रॉड है, और असल में स्टेयरिंग व्हील इसका रिमूवल इसलिए है क्योंकि इस गाड़ी में दरवाजे नहीं हैं। मुझे बहुत ही मुश्किल से चढ़ के अंदर बैठना पड़ा है। ये इसका स्टेयरिंग व्हील है, इस पर बहुत सारे बटन्स हैं। सबसे ऊपर वाले दो बटन्स इंडिकेटर के हैं, फिर ये रेड वाला हॉर्न का है, फिर टाइमर है, हेडलाइट्स एडजस्ट करने के बटन्स हैं, ड्राइव मोड्स के हैं, फिर हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन है। पीछे जो है इसमें वो पैडल्स दिए हुए हैं, वो इसलिए हैं ताकि आप गियर चेंज कर सकें गाड़ी चलाते हुए। सीधे हाथ वाला खींचेंगे तो गियर बढ़ेगा, उल्टे वाले से जो है वो गियर कम होगा। सीट आप एडजस्ट नहीं कर सकते मगर आप पेडल ज़रूर एडजस्ट कर सकते हैं, तो अगर आपको करीब करना हो या दूर करना हो अपने हाइट के हिसाब से वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा इस गाड़ी में और कोई कंफर्टेबल फीचर नहीं है, ना एसी है, ना साउंड सिस्टम है, ना कुछ है। फ़ोन रखने तक की जगह नहीं दी हुई उन्होंने, और बस बहुत ही क्या कहें, बहुत ही हल्की फुल्की गाड़ी बनाई है उन्होंने। वो इसलिए ताकि ये कम से कम वज़न की हो। अच्छा एक चीज़ और, ये जो मॉडल अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रेसिंग मॉडल है, तो इसमें जो नॉर्मल रोड वाला मॉडल होता है उसमें डिफरेंट सीट्स मिलती हैं आपको, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। ऑफ कोर्स उसमें आप विंडस्क्रीन भी लगवा सकते हैं और खिड़कियाँ भी लगवा सकते हैं। अब क्योंकि इसमें दरवाजे तो हैं नहीं तो खिड़कियाँ जो हैं वो खुलती हैं घूम के, और आप फिर गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। तो ये है बेसिकली, एक कंपनी ने बनाई है गाड़ी जिसने कभी ज़िंदगी में गाड़ी नहीं बनाई। वो लोग बनाते थे मोटर बाइक्स, ये एक ऑस्ट्रेलियन सॉरी ऑस्ट्रियन कंपनी, नॉट ऑस्ट्रेलियन। उसका नाम है KTM। पीछे इसका इंजन है यहाँ पे 2000 cc का 4 सिलेंडर इंजन है, टर्बो भी है इसके अंदर। तो ये 240 हॉर्स पावर, तो बिल्कुल पहला मॉडल उनका बनाता था, फिर वक्त के साथ साथ उन्होंने पावर इंक्रीज़ कर दिए, अब ये 300 हॉर्स पावर बनाती है। और एक बहुत ही स्पेशल चीज़ इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि ये बिल्कुल एक्सपोज गाड़ी है तो हर चीज़ आपको नज़र आती है, तो इस गाड़ी को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सिर्फ ऑर्डर करते वक्त नहीं, बाद में भी अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करनी है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अच्छा जब मैं गाड़ी के अंदर बैठ रहा था तो मुझे कहा गया था कि इस पैनल पे जो है वो पैन रखे, क्योंकि रेसिंग बॉडी किट का हिस्सा है। अच्छा मैं आपको आगे से दिखाता हूँ, गाड़ी बहुत ही डिफरेंट किस्म की है क्योंकि आगे इंजन तो है नहीं, तो आगे सिर्फ उन्होंने जो है वो आगे का सस्पेंशन कवर करने के लिए बस ये एक फ्रंट एंड बनाया हुआ है। आपको गाड़ी के जो स्प्रिंग्स हैं वो तक नज़र आ रहे हैं, उनके साथ जो है वो कंट्रोल्स भी हैं ताकि आप उनकी स्प्रिंग्स की जो सेंसिटिविटी है सस्पेंशन की वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि रेस ट्रैक जिस पे आप चला रहे हैं उस पे ज़्यादा हार्ड सस्पेंशन चाहिए या सॉफ्ट सस्पेंशन चाहिए, आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स ये गाड़ी यकीनन शौकिया लोग के लिए ही है क्योंकि बिल्कुल एक सिंपल सी स्पोर्ट्स कार है, इसमें बिल्कुल भी कोई प्रैक्टिकल या कोई लग्जरी फीचर तो है नहीं। तो ऑफ कोर्स ये उन लोगों के लिए जिनके पास दो तीन और गाड़ियाँ पहले से हैं। तो इसी तरह ये शो में खड़ी हुई है, मैं सोचा आप लोग को दिखाऊं। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे इसमें बैठने का मौका मिला। तो मेरे पास चैनल पे और भी बहुत तरह तरह की गाड़ियों की वीडियोज़ हैं, लम्बगिनी, फरारी, सुजुकी, हॉन्डा, टोयोटा, लम्बगिनी होगी, मित्सुबिशी, रोल्स रॉयस, बेंटले, सब की वीडियोज़ हैं मेरे पास। कार्स, जीप्स, बाइक्स, हर तरह की वीडियोस हैं, तो एक नज़र ज़रूर जाके देखिएगा। और अगर आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।